वेलकम बैक माई चैनल दोस्तों, विनोद जी की दुनिया में आपका स्वागत है। और सुबह के बज गए 9:30 और अभी मैं आया हूँ मेरे बड़े भाई के घर पे। ये है इनका घर और ये देखो हमारे लाट साहब जी हमारी गाड़ी पे कितने आराम से बैठे हैं। देखो बड़ी मम्मी आएगी तो इतनी मारेगी देखना। देखो इसके सोने की जगह देखो हमारी गाड़ी के ऊपर ही सोता है। और किसी भी कुत्ते को किसी को भी इसके कवर बिल्कुल भी फाड़ने नहीं देता। जो कवर दिख रहा है आपको ना, ये कवर बिल्कुल भी फाड़ने नहीं देता, ये पूरा कवर कर जाता है। खुद लाट साहब की तरफ सोता है। तो तू नाश्ता किया आज? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बिट्टू? और एक तो ये बदमाश और दूसरे से मिलवाता हूँ आपको। ये इतना बदमाश है कि जिसका कोई पूछो ही मत, इतना बदमाश है। और चलता हूँ घर के अंदर। और आप लोगों ने शायद हमारा घर देखा नहीं होगा, दूसरा वाला घर। तो घर का ये एंट्रेंस है, यहाँ पे कपड़े वपड़े सूख रहे हैं और मम्मी यहाँ आई हुई है। और मेरी मम्मी को तो पता है कहीं पे भी जाओ काम। ये है हमारी किचन और मेरी मम्मी धो रही है कपड़ा, सॉरी बर्तन। क्या करें मम्मी? ये देखो बर्तन धो रही है, इनको शांति नहीं है, काम तभी ठीक नहीं है बाकी। हाँ देखा मैंने इसको, देखा। और ये है इनका रूम जो बहुत ही अस्त व्यस्त पड़ा है। ये ठीक है। और अभी आ गए दूध लेकर। और ये है परी। हाय बोलो परी। और वो शेरी आ गया। शेरू क्या हुआ बेटा, गटिया ने क्या किया तेरे को? गटिया क्या कर रहा है? गटिया ने परेशान कर दिया है इनको। बोलो गटिया ने क्या किया बेटा तेरे को? गटू क्या करता है बोलना, क्या करता है गटू? पहले चांद गटिया परेशान कर रहा है। और आया था घूमने इनका मकान, अच्छी तरह से नहीं बता रहा हूँ। ये है इनका बेडरूम जो भी बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा हुआ है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, सब लोग ऑफिस जा चुके हैं, स्कूल कॉलेज जा चुके हैं। और अभी काम वाली आई नहीं है, काम वाली आएगी तब काम करेगी। इनके भाई काम वाली आती है, हमारी नहीं आती है तो क्योंकि भाभी अकेली रहती है तो आए। और एक रूम ये भी है, ये है भगवान का रूम। अब चलो एक रूम ये भी बता देता हूँ आपको। ये रूम एक और है पीछे है जो यहाँ इनके कपड़े वपड़े धोते हैं, मशीन पड़ा है, ये कपड़े वपड़े यहाँ पे इनको धोते हैं। मुझे बिल्कुल भी यूज़ करने नहीं आती है दोस्तों। कल मुझे बोला था कपड़े धोने के लिए, मुझे समझ में नहीं आता इसका क्या सिस्टम। मुझे तो प्लान वाली होती है वही समझ में आती है। अब मम्मी शादी गए थे अभी कुछ दूध वूध लेने, तो मम्मी आई थी तो थोड़े से बर्तन पड़े थे, डेली नहीं धोती, आज ही धो रही है। तो मम्मी ने सोचा थोड़ा धो देती हूँ। और ये कपड़ों में लाइट बंद और मैं जाता हूँ बाहर। और ये है हमारा सेरिया। सेरू गट्टू ने क्या किया बेटा? गट्टू गाड़ी पे बैठा। गट्टू क्या करता है इनको बोलो, गट्टू क्या करता है? गट्टू अभी मैं बैठा। तो गट्टू ने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है, इनको बोलो गट्टू ने परेशान कर दिया है। बोल बहुत परेशान किया है तो तुझे मारता तो नहीं ना? गट्टू को मारता तो नहीं? गाड़ी पे चढ़ता तो चढ़ेगा ना, तो उसकी भी तो गाड़ी है ना, उसके बड़े पप्पा की गाड़ी है ना ये। मोनू चाचू तो बड़े पप्पा का है ना, है ना। ये है मेरे भतीजे का लड़का बड़ा वाला, और छोटा वाला भी गया हुआ, मेरा सबसे प्यारा बच्चा है वो, जियांश नाम है उसका, उससे भी मिलवाऊंगा आपको। वो भी गया हुआ ननियाल। और ये बदमाशों का बदमाश बच्चा है, बहुत बदमाश बच्चा है, इसको उशुं, 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 उशुं करना चाहिए, सही है ना। और देखिए, और देखो दोस्तों मेरा दूध भी आने वाला है। और इन गलौन है तो इनका क्या मॉर्निंग का वक्त थोड़ा सा, बच्चे कॉलेज ऑफिस वगैरह जाते हैं तो काम वाम इनका 2:30 बजे कंप्लीट होता है। और ये देखो बड़ी मम्मी आते ही अब देखो वापस नीचे आ गया है।
गट्टू बना, ओ गट्टू बना, गट्टू बना जी, हेलो, किसने नीचे उतार दिया तेरे को? चलो दोस्तों, मम्मी लेके जा रही है दूध घर पे, अब बनाते हैं चाय और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। आज सर्दी बहुत कम है और ये हमारा मनीष भाई जा रहे हैं काम पे और अब हमारा दूध, हाँ हाँ, ये दूध और ये आया हमारा दुनिया, एक कैमरे का काम करता है और ये मनीष भाई है जो, ये मनीष भाई है हमारे पड़ोसी है जो प्लॉट की डीलिंग करते हैं, LIC का भी काम करता है, जिस किसी को LIC वगैरह वो करवानी उनसे कांटेक्ट करें, इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बोलना नहीं चाहोगे आप? चलो दोस्तों वापस घर पे जाते हैं और मिलते हैं घर पे आपको। तो अभी बच्चों को, एक बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कल मैंने बात की थी तो कंपाउंडर साहब से, तो उन्होंने बोला था अभी आएंगे वो, या फिर उसमें, या उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा कि उसका घाव अभी तक भरा नहीं है और इसलिए। और दोस्तों ये है हमारे कॉलोनी का मॉल, ये है हमारी कॉलोनी का मॉल परवीन किराना स्टोर, इसमें सब चीज़ें मिल जाएगी, आपको मॉल जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको कभी कभी सिटी में नहीं मिलेगी वो चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो हमारा सुपर मॉल ही है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलती है, सब मिलती है कम, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कुछ समय के बाद। वेलकम टू बैक माई चैनल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये दूसरे दिन, आज जो कल ब्लॉग स्टार्ट किया था उसका दूसरा दिन है। आज का मौसम हमारे यहाँ का काफ़ी ख़राब हो गया है, इतनी भयंकर ठंड और बारिश जैसा हो गया, और देखो पूरा एकदम अच्छे से बादल छा गए हैं और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। रात को तो दोस्तों इतनी ख़तरनाक वाली गर्मी लग रही थी कि मत पूछो, और अब मौसम बिल्कुल चेंज। और मम्मी बना रही है नीचे नाश्ता क्योंकि तनीषा को स्कूल जाना है, इसलिए उसका ब्रेकफास्ट बना रही है मम्मी। और मैंने बोला था मैं बना लेता हूँ, बट मम्मी ने बोला कि मैं बना लेती हूँ क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत भी ठीक है। और आज यार एक मेरा छोटा जिसको डॉग्स थे ना उसको लगी थी, एक तो यहाँ एक मिल नहीं रहा है, सुबह 6 बजे से उसको ढूंढ रहा हूँ, नहीं सॉरी 6 बजे तो मैंने उसको दूध दे के आया था बट उसने पिया नहीं, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, लगभग लगभग आधी कॉलोनी ढूंढ के आ गया हूँ, मिल ही नहीं रहा है, उसके पैर के लगी हुई है। कल डॉक्टर साहब भी चेक करने के लिए आए थे तो उन्होंने हॉस्पिटल लाने के लिए बोला था, तो आज मुझे उसको हॉस्पिटल भी लेके जाना था। अगर मैं मॉर्निंग से उसको ढूंढ रहा हूँ तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, तो पता नहीं कहाँ चला गया है वो, अभी मैं ढूंढता हूँ उसको। और दोस्तों कोरोना फिर से फैलने लग गया, इसकी न्यूज़ में मैंने देखा काफ़ी फैल रहा है, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि मास्क ज़रूर लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर लें। और हाँ, कल से तो बच्चों के भी वैक्सीन लग गई और तनीषा के भी कल वैक्सीन स्कूल में लग गई है, तो दोस्तों आपसे वैक्सीन लगवाए और मास्क लगाए और डिस्टेंस मेंटेन रखें। और मिलवाता हूँ मम्मी क्या कर रही है। और दोस्तों देखो मम्मी ने बना लिए पोहे, लाइट नहीं है तो थोड़ा ब्राइट, ये देखो इतना फास्ट पोहे को बनाते हैं अभी तो प्याज काट रही थी ना, पोहे तैयार भी हो गए, कि जादू की छड़ी है क्या? इतना जल्दी क्यों बनी है तू? तो पोहे तो निकाल के देखो, कांदा बंदा तैयार है। आ जाइए आप लोग भी सब नाश्ता कर लीजिए और मिलता हूँ मैं भी आपको ब्रेकफास्ट के बाद। बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो मैंने अभी अमेजोन से एप्रॉन ऑर्डर किया था क्योंकि मैं कुकिंग करता हूँ, तब मुझे प्रोटेक्शन के लिए मैंने एप्रॉन मंगवाया था अमेजोन से, और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है, और जो आपको पूरा ऐसे कवर कर देता है जिससे कि आपको कुकिंग बनाते उस वक्त आपके कपड़े ख़राब नहीं हो। और इसमें एक जिप भी दिया गया है काफ़ी अच्छा, इसके अंदर आप चम्मच वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, मैंने सोचा था मैं घर पे बना लूँ बट मैंने कहा घर पे तो बनेगा नहीं है, फिर मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया और सिर्फ 3 या 4 डेज में मेरे घर पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने मंगवाई एक बेडशीट, इसको भी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बेडशीट अमेजोन से मंगवाई थी कि मुझे बेडशीट की भी काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास है 4-5 बेडशीट है बट वो काफ़ी ओल्ड हो गई है, तो
तो मैंने ये बेडशीट मंगवाई है, आई थिंक 240 में मंगवाई है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ मुझे दो कुशन कवर भी मिले हैं, काफ़ी बड़े हैं। और ये बेडशीट है, ये वाली बेडशीट है, इसके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये ब्लैक नहीं है, ब्राउन कलर है, हल्का सा ब्लैक नज़र आ रहा होगा, और सॉरी ब्राउन नहीं, हल्का सा ब्लैक, लाइट ब्लैक कलर है, और इसके अंदर वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया गया। और क्या क्या है मेरे पास बेडशीट, तो 4-5 बेडशीट है, तो मैंने ये इस बार ऑर्डर किया, दोनों ऑर्डर किए साथ में, क्योंकि अच्छा भी लगता है, क्योंकि कुछ अलग चेंज होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने रूम को अभी मेक ओवर करने वाला हूँ, बिल्कुल कुछ चेंज करने वाला हूँ, अभी नहीं करूँगा, अभी तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, 1-2 महीने में उसको कुछ चेंज करूँगा, क्योंकि देखते हैं अभी तो कोविड पेंडेमिक आ रहा है, तो अभी तो पैसा कहाँ से आएगा, इसीलिए। तो ये मैंने मंगवाया, आपको कैसा लगा मेरा प्रोडक्ट आप ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि छोटी मोटी ख़रीदारी तो करनी ही चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और बाय बाय। और आज मैं कुक किचन वाले चैनल में बनाने जा रहा हूँ साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने के टिक्का, उसे खिचड़ी अलग से बनती है और टिक्का अलग से बनता है, और वो किस तरह से बनता है तो मेरी रेसिपीज आप ज़रूर देखिएगा, और क्योंकि फर्स्ट बनाऊँगा साबूदाने की खिचड़ी और उसके बाद टिक्का, फिर हाँ उसके बाद एक रेसिपी और मैं शेयर करने वाला हूँ, पाव। पाव जो अपन मार्केट से लाते हैं तो हाइजेनिक नहीं होते इतने, आपको पता है, मैंने जहाँ सुना है पैरों से उसको करते हैं वगैरह, तो वैसे मैं मार्केट किसी से खाता नहीं, तो आज ही तो कल मैं वो पाव कैसे किस तरह घर पे बनाए जाते हैं, होममेड पाव कैसे बनाते हैं, एकदम शुद्ध शुद्ध होते हैं, जिससे आपको कुछ मिलावट वगैरह कुछ नहीं, गंदगी वगैरह कुछ नहीं होगी, तो वो भी मैं आपको बताऊँ। तो मेरे चैनल को जो नए हैं मेरे चैनल में जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे किचन वाले चैनल में को भी आप जरूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरा किचन वाला चैनल का नाम है विनोद जी का किचन, आप ज़रूर देखिए। और मैं अपने इस ब्लॉग को अभी करता हूँ एंड, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय, धन्यवाद, और सेफ रहिए, अच्छे रहिए। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोल देता हूँ, कोरोना पैंडेमिक काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप प्लीज़ मास्क लगा के रखिए, हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए, जब भी बाहर से आते हो तो आप हाथों को अच्छी तरह से धोइए साबुन से, और जहाँ तक हो तो जितनी बार हो सके आप हाथ धोइए, और बाहर जाओ जब सैनिटाइज़ का उपयोग ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है बाहर जाते हैं अपन साबुन और पानी तो साथ में लेके नहीं जाते, अब कौन सी जगह इफेक्ट है अपन को कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे आप बैंक गए, स्कूल गए, कहीं पे भी गए, किसी भी जगह आपने उसको टच किया, फिर आपने उसको नोज़ किया, मुँह पर लगा लेते हो, तो बचे इन सब चीज़ों से। तो आप सैनिटाइज़र एक ऐसा ऑप्शन है अपने पास, जो थोड़ा सा लिया हाथों को तो जो इतने जम्स या कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।